मोदी है तो मुमकिन है, अब की बार फिर मोदी सरकार। बीजेपी 300 के पार, आएगा तो मोदी ही, मैं भी चौकीदार। लोकसभा चुनाव की कैंपेनिंग के दौरान उछाले गए ये सभी नारे सच साबित हो रहे हैं। लोगों ने इन सारों में यकीन दिखाया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को आत्ममंथन कर खुद को नए सिरे से तैयार करने की जरूरत पड़ेगी। राजनीति की जमीन पर उनकी लव पॉलिटिक्स कहीं नहीं ठहरी। कांग्रेस महासचिव के तौर पर राजनीति में उतरने वाली प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश में जादू नहीं चला। उन्हें अब अगली बार के लिए खुद को तैयार करने की जरूरत है, जबकि प्रियंका गांधी को चुनाव में ट्रम्प कार्ड माना जा रहा था। पश्चिम बंगाल में ममता बनाम मोदी की प्रतिष्ठा परक लड़ाई में बीजेपी ने दबदबा कायम किया है। बीजेपी इस राज्य में दमदार प्रदर्शन कर सबको हैरान कर दिया है। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि मोदी की जीत के मायने क्या है? मोदी की जीत का मायने है विकास की जीत। मोदी एक अच्छे शासक थे जिन्होंने निर्णय लिया और देश को हर एक बिंदु पर आगे ले गए, और व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत लोकप्रिय रहे वो देश में, तो लोगों ने उनके नाम पर भी बहुत वोट दिया, और आजकल के समय वो सबसे लोकप्रिय नेताओं में है। जी, और आपका क्या कहना है इसके ऊपर? मोदी विकास पुरुष हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। जनता ने जो दोबारा उन्हें चुना है वो इस बात का प्रतीक है कि वो विकास को ही अधिमान्यता देते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि विकास पुरुष। आर्टिकल 35A और 370 या फिर राम मंदिर के मुद्दों पर अब बीजेपी का क्या रुख रहेगा? आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370A का मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आ सकता तब तक कोई भी निर्णय लेना असंभव है। क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इसमें पहले जो शासक थे उनके साथ एग्रीमेंट था और पहले प्रेसिडेंट्स ऑर्डर है, तो ये सब बहुत, इसको पूरा जब तक उच्चतम न्यायालय ही इसको निर्णय लेगा, इसको इसका बहुत जल्दी निर्णय लेना असंभव है। उसके लिए हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मुद्दा नहीं है कि केवल जम्मू कश्मीरी ही ऑटोनॉमी है हमारे देश में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी ऑटोनॉमी है, तो ऐसा नहीं है कि पूरे देश भी ऑटोनॉमी में काफी चल रहा है देश में। अनुच्छेद 35 के 370 पर और राम मंदिर मुद्दों पर बेशक ही कोर्ट में लंबित है मामले, लेकिन सरकार को कुछ ना कुछ ठोस उपाय इनका करना होगा, क्योंकि उन्होंने वादा किया कि इस बार यदि हम सत्ता में आते हैं तो इन मुद्दों को अवश्य ही सुलझाएंगे। अब कोर्ट भी लगता है कि कुछ इन पर सीरियस अपना निर्णय देगा, और सरकार को भी अच्छे गंभीर प्रयास करने होंगे ये मुद्दे हमेशा के लिए सुलझाएं। मोदी की वापसी के 3 प्रमुख कारण क्या है? मोदी के वापसी के 3 प्रमुख कारण हैं। एक तो मोदी में बड़ा विश्वास है और वो जनता को अपने साथ लेकर चलते हैं, जनता को प्रेरणा दे सकते हैं, मोटिवेटर है, इतना मोटिवेटर देश में बहुत कम हुआ है। दूसरी बात, वो बहुत शीघ्र निर्णय लेते हैं। तीसरी कि वो सबको लेकर चलते हैं और साथ में ईमानदार भी है। इसके अतिरिक्त उन्हें बड़ा अनुभव है प्रशासन का, जो उन्होंने मुख्यमंत्री गुजरात के समय सीखा है, तो उनकी हर चीज पे पकड़ है और वो सीखने की कोशिश करते हैं। जब वो भारत के प्रधानमंत्री हुए तो अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भी उन्होंने काफी अच्छा काम किया, तो इस प्रकार से मोदी सब दृष्टि से देखा जाए तो एक अच्छे नेता, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री। मोदी सबका साथ सबका विकास जो उनका मूल मंत्र है जी। उसे लेकर वो साथ चले हैं जी। और उससे सारी जनता जो है, हर वर्ग, जाति वर्ग, वो उनके साथ जुड़ता चला गया, और उनका मुख्य उद्देश्य है जीवन का राष्ट्र का विकास जी, लगातार काम करना और राष्ट्र का विकास करना जी। ये सारे जो मुद्दे हैं उनकी वजह से वो एक सफल प्रशासक और प्रधानमंत्री बने। 1971 में कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार के बाद बीजेपी की मोदी सरकार ने अपने दम पर लगातार दूसरी बार ये जीत हासिल कर ली है, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? मेरा विचार है कि ये जो इस समय की विजय है वो 1971 से बहुत बड़ी विजय है, क्योंकि 1971 के बाद तो चूंकि बांग्लादेश अलग हुआ था, पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय हमने प्राप्त की थी, तब तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उनको जीतना ही था, लेकिन
इस 2019 में जो विजय प्राप्त हुई है मोदी को, वो इसलिए विकास पर देश में बहुत कम जीतें होती हैं, क्योंकि देश छोटे छोटे मुद्दों में बढ़ जाता है। तो इसको मैं बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक विजय मानता हूँ, जो कि इस मुद्दे को बहुत पहले हमारे देश में आ जाना चाहिए, 10-15 साल पहले विकास केंद्रित व्यवस्था आगे बढ़ना चाहिए थी। अच्छा। तो इसे मैं बहुत ही बड़ी एक जीत, एक देश में एक नई जागृति आ रही है, लोगों की धारणा बदल रही है कि देश विकास की ओर बढ़ना चाहिए, छोटे छोटे मुद्दों में नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये मैं इसको एक बहुत बड़ा उपलब्धि मानता हूँ देश की। मैं प्रमोद जी की बात से सहमत हूँ। 71 में जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से बांग्लादेश एक अलग देश बनाया, तो एक सेंटीमेंट देश में अलग से चला, तो इसकी वजह से उनकी जीत हुई, बहुमत से जीत हुई। लेकिन जो आज जो मोदी जी की जीत हुई है, वो सिर्फ उनके काम के बल पर हुई है, और जनता में विश्वास, भरोसा जो उन्होंने उत्पन्न किया है, पैदा किया है, वो सबसे बड़ा उनका जीत का एक मूल मंत्र रहा। 21 राज्यों में, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश शामिल है, इसमें बीजेपी का एकदम क्लीन स्वीप रहा है, तो इसका क्या दूरगामी प्रभाव भारतीय राजनीति पर पड़ेगा? कांग्रेस समझे बैठी थी कि हम छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश जीत गए हैं जी। तो ये लोकसभा चुनाव में हम क्लीन स्वीप करेंगे जी। या बहुमत तो कम से कम ले ही जाएंगे राज्यों में। लेकिन जो इनकी जीत थी वो तात्कालिक मुद्दों के पर आधारित थी, जैसे प्रलोभन दे दिया, किसानों का कर्ज माफ, बेरोजगारों को भत्ता देंगे जी, जी। लेकिन जब 3 महीने गुजर गए और उन्होंने जैसा कि वादा किया था 10 दिन में हम सब कर देंगे, वो सब कुछ नहीं हुआ। तो जनता देखती है इन सारी चीजों को, और जनता ने देखा परखा कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है कि हमने इन्हें जिताया। अगर आज उन्हें राज्यों के चुनाव हो जाए तो उनको पटकनी खानी पड़ेगी। तो ये परिणाम जो आज आए हैं वो इसी के परिणाम है कि तात्कालिक लाभ से जनता विमुख हो गई है। जनता को चाहिए दीर्घकालीन लाभ, ये सबसे बड़ी उम्मीद का कारण है। मैं सोचता हूँ कि राजनीति में दो तरफ चलती रहती है, ये अवश्य है कि लोगों में मोदी पर ज्यादा भरोसा है। अगर कांग्रेस कुछ कहती है और मोदी कुछ कहते हैं तो मोदी पर लोग अधिक विश्वास करते हैं। तो लोगों ने देखा कि केंद्र में अलग सरकार होना चाहिए, राज्य में अलग सरकार होना चाहिए, और ये वास्तव में जनता इतनी जागृत हो गई है कि इस प्रकार के मुद्दे जनता डाइजेस्ट नहीं कर सकती कि 72,000 हम देंगे एक साल में, क्योंकि जनता जानती है कि इतना बजट ही नहीं हमारे देश में, इससे संसाधन नहीं है। तो आजकल जो एक झूठे वायदे लोग करते रहे हैं राजनीतिक दल, कुछ दिनों आने वाले कल में क्षेत्रीय पार्टियां, वो कर नहीं पाएंगी, क्योंकि जनता के सामने पूरा हिसाब किताब सामने रहेगा, कोई घर से लाकर थोड़ी पैसा देगा। क्या ये जीत विकास की है या फिर इसे ये ध्रुवीकरण था? ये बिल्कुल विकास की जीत है और ये ध्रुवीकरण के विरोध में है। लोग ध्रुवीकरण की बात करते थे पहले, लेकिन मैंने देखा है कि जब विकास सामने आया 5 साल में, तो लोग जाति पाति धर्म संप्रदाय भूलते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा देश में एक परिवर्तन आ रहा है। जो ध्रुवीकरण के नाम पर लोग वोट ले जाते थे, बाद में 5 साल क्वेश्चन करते थे, फिर वो 5 साल बाद ध्रुवीकरण की बात करते रहते थे, और भूमि सुधार ऐसे किसानों का किसी ने नहीं किया। तो इस प्रकार के जो मुद्दे हैं, जो मौलिक मुद्दे हैं देश में, वो आगे आएंगे। आपकी क्या है? महागठबंधन का जो ध्रुवीकरण का फार्मूला था, आज वो बुरी तरह फ्लॉप हुआ है, क्योंकि विकास, जो विकास मिला है बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक, जो विकास गया है, डिलीवर किया गया है बीजेपी सरकार के द्वारा, तो ध्रुवीकरण जो बुरी तरह से यहाँ छिन्न भिन्न हो गया, और केवल विकास ही जीता है। महागठबंधन की विफलता के प्रमुख कारण क्या है? महागठबंधन जो बना था या आज भी मौजूद है, उसका मुख्य उद्देश्य था किसी भी तरह से मोदी को रोकना है हमें। तो वो सिर्फ उन्होंने वादे करने हैं कि हम इतना न्याय योजना के तहत इतना दे देंगे, यहाँ इतना दे देंगे जी। सिर्फ झूठे वादे। जनता को मालूम है कि 50 साल 60 साल जो कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने कुछ नहीं किया। गरीब बेटा बना रहा तब भी था, आज भी गरीब बेटा बना रहा। तो ये सारी चीजें सामने खुली किताब की तरह जनता के सामने रखी जी। यही कारण है कि ध्रुवीकरण का जो उनका जो खोखला जो एक गठबंधन था, संगठन था, वो बुरी तरह दिखता। एक्चुअली महागठबंधन, मैं आपसे सहमत हूँ, महागठबंधन देश को जाति पाति में ले जाता था, धर्म पे ले जाता था, और लेकिन जनता ने समझा कि जनता को तो वास्तव में विकास चाहिए। जो आजकल जो दलित है, जो गरीब है,
मुसलमान का भी गरीब है, उसको भी समस्याएं हैं। अगर उसके घर में आज एक आवास बन जाता है, देखा कई गांव में इतने मुसलमानों के आवास बने हैं, उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस प्रकार से जो विकास हुआ है रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड ट्रीट, तो जैसे उज्ज्वला योजना हुई, जी। दो तीन योजनाएं इतनी सफल हुई हैं कि उससे पूरे ग्रामीण भारत में और बल्कि शहरी भारत में भी लोगों में जागृति उत्पन्न हुई और लोग विकास की तरफ आकर्षित हुए। यही के कारण है कि मतलब गठबंधन फेल हुआ। तीन राज्यों में विधानसभा चुनावों में विजय के पश्चात भी लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को पराजय क्यों मिली? इसका तो एक्चुअली आत्ममंथन कांग्रेस को करना चाहिए, क्योंकि इतनी इतने कम समय में क्यों मिली। मैं सोचता हूँ इसमें मोदी का भी जादू चला है, क्योंकि मोदी इतना अच्छे मोटिवेटर हैं, इतनी सही बात करते हैं और लोगों में बड़ा भरोसा है। इसके अतिरिक्त जो आपने बताया कि लोगों की जो 3 महीने में जो समस्याएं समाधान होना चाहिए थी वो नहीं हुई, अगर वो समस्याएं समाधान नहीं हुई तो उसका कारण बताना चाहिए था जनता को, कांग्रेस ने कि 3 महीने वो क्यों नहीं कर सकते, क्यों समय कम है। कम से कम वो नौकरियां तो कर सकते थे, नौकरियों की अभी वायदा करते हैं, लेकिन उन्होंने 3 महीने में कितनी नौकरियां दी। तो आजकल जनता वास्तव में धरातल पर काम चाहती है, आजकल केवल आप भाषण देने से ही काम नहीं हो सकता। आप जनता जानती है कि आप रिजल्ट दीजिए। हाँ जी सर, आप मुझे लगता है तात्कालिक मुद्दों को जो कांग्रेस ने थे था उस दौरान मुखरता से उठाया, तो वो मुद्दे मुखरता से उठाने के कारण वो जीते। वो जीत भी इतनी बड़ी जीत नहीं थी, क्या हमें 2 सीट 3 सीट किसी से गठबंधन करना पड़ा, राजस्थान गठबंधन, मध्य प्रदेश BSP से गठबंधन, तो वो जीत कोई ज्यादा मायने नहीं रखती, बहुत आटे की टक्कर है। और हो सकता है सरकार आगे हमें कुछ दिनों बाद पलट फिर बढ़ दिखाई दे। राहुल गांधी का अमेठी से हारने का क्या संकेत है? राहुल गांधी का अमेठी से हारने का एक ही संकेत है कि उन्हें ज्यादा अमेठी में समय देना चाहिए थी, क्योंकि वहां पर डिक्लेयर हो गया कि MP है, संसद सदस्य, वो गायब हो गया है। जैसा कि एक बार वहाँ भारती का झांसी जिले में हो गया था, वहाँ पे पोस्टर लग गए थे जी। तो संसद सदस्य का एक कर्तव्य है कि वो अपने क्षेत्र में जाता रहे। देखिए जनता को, भारत की जनता की आप समस्याओं का हल नहीं कर सकते, लेकिन जब संसद सदस्य जाता है तो उसको एक सहानुभूति होती है, लोग अपना रोना धोना कहते हैं, तो भारत की जनता उसी में भी खुश रहती थी। खैर अभी तो जनता जानने लगी है कि आप रिजल्ट क्या दे रहे हैं, लेकिन वो भी शायद राहुल गांधी इतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाए, नहीं तो अमेठी में कोई हारने का और कोई कारण नहीं जी। मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंस जो था कांग्रेस का कि हमें वहां से कोई नहीं हरा सकता, ये सबसे बड़ा कारण था। और जनता चाहती है कि हमारा जो प्रतिनिधि है वो हमसे जुड़ा रहे, कम से कम इन्हें महीने में 2 महीने में 4 महीने में एक बार वहां जाना होता था, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिनिधि वहां छोड़ रखे थे। जी बिल्कुल, 3 प्रतिनिधि उनके थे और वो भी जनता से जुड़े हुए नहीं थे। बिल्कुल, और मतलब राजशाही जो एक चलती है ना, तो वो जनता नहीं चाहती, जनता चाहती हमारा नुमाइंदा हमारे बीच में रहे, ग्राउंड लेवल पे बात की जाए। सबसे बड़ी जो अभी स्मृति ईरानी जी ने वहां जो इतना काम किया मैच 5 साल में, वो जुड़ी रही। वो जैसे ही बनारस से केजरीवाल गए थे और वो वहां उसके बाद मुंह नहीं दिखाया उन्होंने, जबकि स्मृति ईरानी हारने के बावजूद उन्होंने कहा मुझे यही रहना है, यही काम करना है। ये सबसे बड़ा कारण है अमेठी से राहुल गांधी के उखड़ने का, और इनका संकेत उन्हें पहले से ही प्राप्त हो गया था, तभी वो आगे दक्षिण में गए। किसानों के मुद्दे हो या फिर बेरोजगारी मुद्दे, ये वाले मुद्दे क्यों दब गए? एक्चुअली आपने बहुत सही उठाया, एक किसानों का मुद्दा मैं सोचता हूँ कि मोदी सरकार में मुख्य मुद्दा होना चाहिए। देखिए किसानों का मुद्दा अगर हम ठीक तरह से पकड़ते हैं तो जो नक्सलवाद की समस्या उसका हल हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि नक्सलवाद की समस्या का मूल जो हल है वो भूमि सुधारों में है। तो मैं सोचता हूँ जहाँ हमने अपने आतंकवाद पर काबू कर लिया है, वहाँ नक्सलवाद पर भी हम मौलिक रूप से उसको नियंत्रण में लाएं। जहाँ तक फायर फाइटिंग का सवाल है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज लड़े हैं, लेकिन इसके अलावा जो उनकी समस्या है गरीबों की, उनका एक भूमि सुधारों के माध्यम से उनको दूर करें। और मैं सोचता हूँ, मुझे विश्वास है कि यही समस्या मोदी जी के सामने सबसे बड़ी समस्या है, वो इसका हल कर सकेंगे। और वही एक व्यक्ति है सक्षम है जो अगर आज तय कर ले कि हमें भूमि सुधार करना तो कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ, और उसमें नक्सलवाद की समस्या का हल निकल सकता। मुझे लगता है किसानों की समस्या को बीजेपी गवर्नमेंट सही ढंग से एड्रेस कर रही है,
और बेशक धीमी गति में उनका उत्थान हो रहा है। बीज की गुणवत्ता, मिट्टी की गुणवत्ता कौन लेकर आया? बीजेपी लेकर आई। आज वो जान सकते हैं कि इस मिट्टी में हमारे क्या उगेगा, ये पूर्व निर्धारण किया जा सकता है, उसके हिसाब से फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। उनके लिए और बहुत सारी योजनाएं, खादों की पहले लाइन लगती थी लंबी लंबी, वो सब बहुत ज्यादा सुलभ हुई है। तो धीमी गति में ही बेशक, लेकिन किसानों की समस्याओं का धीरे धीरे निराकरण हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये 5 साल जो है बहुत निर्णायक सिद्ध होंगे। हम भी यही सब यही उम्मीद कर सकते हैं। ईवीएम एवं वीवीपैट पर प्रश्न चिन्ह लगाना कहां तक सही है? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ईवीएम की जो तकनीकी ली गई है जी, वो हमारे देश में जब ली गई थी, जब जो हम लोग पहले जो प्रणाली थी, चुनाव प्रणाली थी, बड़ी दिल लगती थी, बड़ा मेहनत थी, बड़ा पैसा खर्च होता था। तो ये जो तकनीकी है बहुत ही फूल प्रूफ तकनीकी है, और उसके बाद बीपी पैट भी आ गया है जी। तो इस तरह की तकनीकियों का विरोध करना ठीक नहीं है, क्योंकि देश को हमें पीछे नहीं ले जाना है जी। देश को आगे ले जाना है, क्योंकि जितने विरोधी पार्टियां कह रही है कोई स्पेसिफिक तो बता नहीं पाती है क्या गड़बड़ी है उस चीज को। हम चूंकि आप जानते हैं कि पहले बड़ा फेक वोटिंग होती थी, जो पहले प्रणाली थी, अब वो फेक वोटिंग बंद हो गई है, काफी कम हो गई है जी। तो इससे भी विरोधी पार्टियां जो कई राजनीतिक दल है वो इससे बड़ा दुखी है। लेकिन मैं नहीं सोचता हूँ कि ईवीएम को इसको बंद होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो सुधार है अभी और समय है, चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए, तकनीकी हमेशा निरंतर उसमें सुधार की आवश्यकता है, वो होती रहती है। और तकनीकी के माध्यम से आप तो जानते हैं विश्वकर्मा के देश में है, तकनीक वर्ड है, उसमें कोई भी सुधार हो सकता है, आगे सुधार होंगे, उसकी मतलब तो ये नहीं हम पीछे जाएं। क्या सहमति रखते हैं? बिल्कुल सहमति है, मुझे लगता है ये बहुत प्रामाणिकता इसमें मौजूद है, उपलब्ध है इसमें जी। और इससे छेड़छाड़ जैसा कि चुनाव आयोग ने भी कहा और उन्होंने आमंत्रित भी किया था सभी दलों को कि आए और इसे हैक करके बताएं जी, लेकिन कोई भी एक व्यक्ति नहीं पहुंचा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये प्रामाणिक है बहुत ज्यादा तकनीकी, और तकनीकी में जैसा कि आपने कहा सुधार गुंजाइश हमेशा बनी रहती है और वो निरंतर होते रहने चाहिए। और नंबर दो, वीवीपैट की जो बात है, जो भी व्यक्ति चुनाव में वोट डालता है, बटन दबाता है, तो उसका वो सामने दिखाई देता है। 10% यानी 5% 5 करोड़ 10 करोड़ जितने भी लोगों ने वहां चुनाव में वोट डाले हैं उन्हें सामने उन्होंने देखा है। किसी भी एक व्यक्ति ने शिकायत की कि भाई उस वोट में प्रमाण सामने। बिल्कुल बिल्कुल। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना इत्यादि परियोजनाओं ने मोदी की जीत में क्या भूमिका निभाई? वास्तव में सभी योजनाओं में जिनने मुख्य भूमिका निभाई है उसमें उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना, ये 3 मुख्य है। क्योंकि आरोग्य जो योजना है वो उसी समय इलेक्शन में कुछ दिन पहले ही लागू हुई थी तो उसका इम्पैक्ट नहीं हो पाया, और फसल बीमा योजना जो है वो मोदी जी ने बड़ा अच्छा किया, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया, क्योंकि उसमें जो फेल्योर आ रहे थे, तो आने वाली कल में मैं सोचता हूँ कि सभी योजनाओं में जो गैप है और भी कुछ नई नई योजनाएं टेकअप की जाएंगी जिससे कि किसानों को और लाभ हो और इन योजनाओं को पूरा आगे तक बढ़ाया जाएगा। जैसे उज्ज्वला योजना है, अब उज्ज्वला योजना में कमी क्या है कि उसमें सिलेंडर तो खरीदना पड़ेगा गरीब आदमी को, अब उसके लिए पैसा नहीं है तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा जी। हाँ, इसके अलावा जो बीपीएल लोग हैं उनको और कैसे आमदनी बढ़े, क्योंकि हमारे जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, इसके अलावा भी समस्या है बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे भी बिलो लोग हैं जी, तो जो कि हंगर से मर सकते हैं। अभी हम लोगों को उन लोगों को देखना है कि इस देश में जब देश इतना विकास के पथ पर है तो कोई भूख से ना मरे, लेकिन आज भी उड़ीसा में सब जगह इतने गरीब लोग हैं, तो 20% लोग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं, तो उन पर अभी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। मैं अगर आपकी बातों को कम शब्दों में समझा सकूं तो रोटी कपड़ा और मकान ये बुनियादी जरूरतें हैं, और मुझे लगता है आज भी बड़ी हुई है बनी हुई है और इसी पर ही मोदी सरकार को काम करना है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी सारी योजनाएं इसी से आगे हाँ जी चलेंगे। उज्ज्वला हो, बेटी बचाओ, रोटी कपड़ा और मकान, उनसे जुड़ी हुई चीजें हैं, तो वो उनका निराकरण उस दिशा में काम गंभीरता से करना चाहिए। ठीक है, फ्री बांटने की राजनीति ने देश के विकास में क्या रोड़ा अटकाया है? एक्चुअली फ्री बांटना तो किसी भी विकासशील देश में होना ही नहीं चाहिए,
क्योंकि जब भी कोई धन का आवंटन हो उससे उत्पादन होना चाहिए। तो ये बहुत ही गलत है कि हम लोग एक फ्री राजनीति में जा रहे हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन को तीर्थ यात्राएं कराई जाती हैं, टेलीविजन सेट बांधे जाते हैं, जैसे कि हार बांटे जाते हैं। तो इस प्रकार की जो योजना है उनका विरोध होना चाहिए। और इस प्रकार की राजनीति के मैं सोचता हूँ मोदी जी स्वयं विरोधी है, और जो राज्य सरकारें ऐसा करती हैं उनको सेंसर होना चाहिए, क्योंकि जब तक देश में उत्पादकता नहीं बढ़ेगी उस पैसे से, तो देश की जो पाकिस्तान की अवस्था है हमारी अवस्था हो सकती है। इसलिए हमें हमेशा जो भी देश में खर्चा हो उससे परचेजिंग पावर हो, गरीबों की बढ़े, लेकिन साथ साथ वो मेहनत भी करें। ऐसा नहीं है उन्हें फ्री में बांटते, जैसे ये मनरेगा है जी। मनरेगा में इंश्योर करना चाहिए कि जो गरीब है गाँव का वो पैसा जरूर ले लेबर का, लेकिन उसके साथ मेहनत भी करे। तो ये बहुत ही आवश्यक है, और फ्री राजनीति से दूर रहना चाहिए। और जो दल इसमें इंडल्ज करते हैं उनको पब्लिक को भी क्रिटिसाइज करना चाहिए, पब्लिक को बहिष्कार करना चाहिए उनका, और ऐसी योजनाओं का ही बहिष्कार करना चाहिए। मुझे लगता है फ्री जो बांटा जाता है या वादे किए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन को भी इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और साथ ही साथ जिन योजनाओं के बारे में पहले बताते हैं ये योजना है, हम ये लाएंगे, ये लाएंगे, हम वो लाएंगे तथाकथित रूप से, और वो लाते नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन को, इस सरकार को मिल बैठकर, सारे दलों को मिल बैठकर इस पर एक गंभीरता से विचार करना चाहिए। और फ्री से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जनता ने जो इस पर मैंडेट दिया है वो फ्री को नकार दिया है उन्होंने। कांग्रेस ने जो इतनी बड़ी योजना लाई, न्याय योजना लाने का वादा किया था, तो फ्री को नकारा गया है, क्योंकि वो जानते हैं फ्री जो तात्कालिक लाभ हमें दे सकता है जी। हमें पैसा मिल गया आत्मा, लेकिन बगैर मेहनत के जो पैसा मिलता है उसका सदुपयोगता नहीं आती, उसे आदमी का जो मानसिक स्तर जो है वो भी गिर जाता है, और मेहनत करने की क्षमताएं सारी नष्ट हो जाती है। तो मेहनत जो है, परिश्रम के बल पर जो पैसा मिलेगा वो जो है उपयोगिता, देश के लिए उपयोगी होगा, व्यक्ति के परिवार के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए। तो फ्री की योजनाएं बिल्कुल गलत है, उनको निषेध होना चाहिए। मैं आपसे इस पैनल डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, क्षेत्रीय दलों की क्षुद्र थे, जाति पाति धर्म और छोटे छोटे इशू, जिनका भी देशवासियों ने देखा पूरे देश पर देश के विकास में वो बाधा हो सकता है जी। तो ये दूसरी बात, जो क्षेत्रीय गठबंधन के नेता थे वो हो सकता है कि राष्ट्र की बात करें, लेकिन उनके आचरण में उन्होंने जनता ने देखा है 10-15 साल से कि उन्हें जब शासन मिला तो उन्हें भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। तो जो क्षेत्रीय दल हैं वो हमने सब समय देखा है कि वो बहुत बड़े विकास की बात नहीं करते, उसमें निहित स्वार्थ चले आते, इसलिए जनता ने नकार दिया और मोदी के विकास को जनता ने समर्थन दिया। क्षेत्रीय दल जो इकट्ठे हुए गठबंधन के रूप में, उनका जैसा कि प्रमोद जी ने कहा, मूल उद्देश्य उनका था कि हम अपने स्टेट में किसी भी तरह से ये इनके इन प्रकार अपनी सीटें जीतें और मोदी को रोकें। उनका सिर्फ एकमात्र लक्ष्य था, देश से उन्हें कोई मतलब नहीं था, कि राष्ट्र का विकास हो, देश का विकास हो, उत्थान हो, व्यक्ति का विकास हो, वो कुछ नहीं, सिर्फ वो अपना स्वार्थ, निजी स्वार्थ, निहित स्वार्थ जो उसके मजबूत है, अपनी सीटें बढ़ाना चाहते थे, किसी भी तरह से सीटें हमारी बढ़ जाए, मोदी को हम रोक लें, सरकार बना लें, और जो भ्रष्टाचार हम पहले से करते चले आए थे, जैसे कि जनता के दिमाग में, दिल में धड़का गया इनका भ्रष्टाचार, वैसे ही इन्हें करना था। ये सबसे बड़ा कारण है कि वो वहीं लुप्त हो गए। थैंक यू सो मच आपका जो आपके इतने सारे विचार आपने जो हमारे साथ डिस्कस करे उसका बहुत बहुत धन्यवाद।